100 मीटर से लेकर 2000 किलोमीटर, इसलिए अलग अलग बम डालते हैं, उनकी स्पीड अलग अलग है। एचजी बम 5 किलो, जो एचजी बम 5 किलोमीटर चलने वगैरह कहीं भी बम कर सकता है, किसी जगह टैंकी का इंग्लिश इसमें बम पड़ता है, कितनी टैंकी बम उड़ा है। तब इस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेनेड लॉन्चर का। यदि ज्यादा तादाद में आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा 400-500 एक आध जो उससे आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ।
हमारे टीचर स्टाफ तो तकरीबन सभी जानते हैं, और बच्चे भी जानते होंगे कि बीएसएफ जो है 1 दिसंबर 1965। अभी मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स लिखते हैं सर प्लीज। बीएसएफ का 1 दिसंबर को रिलिंग डे छोटे बीएसएफ का जो जन्म है 1965 को हुआ था, अभी हम 57th रिलिंग डे जो है ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं एक तरीके से। जैसलमेर राजस्थान में हमारा नेशनल लेवल का सेलिब्रेशन है जिसमें पीएम साहब जाएंगे, होम मिनिस्टर जाएंगे वहाँ पे। तो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हैं, सभी लोग तकरीबन बीएसएफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। जो बच्चे बीएसएफ में आना चाहें, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज हैं, हमारे बीएसएफ में 4 किस्म का इनरोलमेंट है, रिक्रूटमेंट है। 10th वाला बॉयज एंड गर्ल जो कांस्टेबल में जा सकती हैं, एजुकेशन 10th और फिजिकल स्टैंडर्ड जो हैं वो पूरे होने चाहिए। +2 वाला क्लरिकल स्टाफ में जा सकता है, हेड कांस्टेबल या हवालदार मिनिस्ट्रियल बोलते हैं उसको, उसमें एनरोल हो सकता है। +2 वाला कम्युनिकेशन में भी जा सकता है, ऑपरेटर में। उसके बाद जो ग्रेजुएट होते हैं लड़के लड़कियां वो सब इंस्पेक्टर में एनरोल हो सकते हैं, और ग्रेजुएट ही ऑफिसर में मतलब डीएसपी जिसे बोलते हैं, हमारे स्टेंट कमांडर बोलते हैं, उसमें इनरोल हो सकते हैं। उसकी वैकेंसी जाती है अखबार के बीच में, और फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है और कमीशन जो है वो टेस्ट लेता है। लगी होती है बस से जो है वो वहाँ पर गुरुद्वारा जाते हैं। अगर इस फ्लैग पोल के राइज में देखें। ओके सर, रेडी।